जय हिंद ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। इस लेसन में आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के सेकेंड लेसन की बात करेंगे, जिसमें हम कुछ डिफरेंट वैरायटी के सम सॉल्व करेंगे जो बीते हुए एसएससी के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। जी हां, आज मैं उन सभी सम को लेके आया हूं जो मैंने बीते हुए एग्ज़ाम्स के पेपर से फाइंड किए हैं। तो इस लेसन को आप पूरा देखिए ताकि आपको वो सभी सम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। साथ ही साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और सीट दे रहा हूँ, सेकेंड सीट है प्रॉफिट लॉस की, उसको आप लोग डाउनलोड करिए और उससे प्रैक्टिस करिए। एक इम्पॉर्टेंट बात को कहूँगा, कुछ बच्चे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिस सीट गूगल ड्राइव के थ्रू, तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी दिया है, तो मैं उन बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए या टेलीग्राम के जरिए वो प्रैक्टिस सीट सेंड कर दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का यह लेसन। आज का पहला सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को बाजार मूल्य पर 10% की छूट की इजाज़त देने के बाद 20% लाभ हासिल करना चाहता है, उसे लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अपनी वस्तु को अंकित करना होगा। बहुत ही अच्छा सम दिया है बेटा, यहाँ पे हमें जितने की छूट दी जा रही है उसका प्रतिशत दिया है, जितने का हम लाभ कमाना चाह रहे हैं उसका भी परसेंटेज दिया है, जबकि लागत मूल्य और अंकित मूल्य नहीं दिया है, उनके बीच में तुलना की गई है, संबंध पूछा गया है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक होना चाहिए। तो हमने जो कॉन्सेप्ट लेक्चर था, उस कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में हमने आपको एक स्टेटमेंट याद कराया है, और वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, आपको याद आ जाएगा, डिस्काउंट हमेशा 100 से क्या होता है, माइनस होता है, और किस पर कैलकुलेट होता है डिस्काउंट, हमेशा एमआरपी पर, याद आया। उसी प्रकार प्रॉफिट हमेशा 100 पे क्या होता है, प्लस होता है, और प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है, तो प्रॉफिट सीपी पर कैलकुलेट होता है। और मैंने बोला था एमआरपी पर मिलने वाली छूट सीपी पर होने वाले प्रॉफिट के क्या होती है, इक्वल होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम इसमें डेटा पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें सीपी नहीं दिया है, तो सीपी को सीपी रहने दिया, मल्टीप्लाई प्रॉफिट दिया है, कितने परसेंट का प्रॉफिट है आप सभी देखिए, तो हमारे पास 20% का प्रॉफिट है, उसको क्या लिखा जाएगा, 120/100, क्लियर, इक्वल्स टू एमआरपी नहीं है, एमआरपी को एम ही रहने दीजिए, डिस्काउंट हमको गिवन है, कितने परसेंट की छूट है, 10% की छूट को क्या लिखेंगे आप, 90/100, इतना सभी को क्लियर है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, सीपी के सामने लिखा है 9, तो सीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 9, जबकि एमआरपी के सामने लिखा है 12, तो एमआरपी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 12। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, सीपी और एमआरपी के बीच में संबंध बनाया जा सकता है। हमने देखा एमआरपी सीपी से अधिक है, कितना अधिक है बेटा, 3 रुपये अधिक है, हाँ या ना, तुलना किससे करनी थी, लागत मूल्य से, तो लागत मूल्य बेस वैल्यू क्या बन जाएगी, 9, चूंकि आंसर परसेंटेज में देना है तो मल्टीप्लाई किसका कह देंगे हम, 100 से, और हमारे पास तुरंत इसका आंसर आ जाएगा 1/3 × 100, और मैंने आपको 1/3 का परसेंटेज कितना याद कराया है, 33 सही, 1/3%, इसका मतलब एमआरपी सीपी से 33 सही 1/3% क्या है, अधिक है। इतना क्लियर हो गया। यदि ये सम क्लियर हो गया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद यदि वो हमसे अनुपात पूछता, वो क्या पूछता हमसे, सीपी और एमआरपी के बीच में अनुपात बताइए, तो सीपी हमारे पास आ चुका है कितना, 9, जबकि एमआरपी कितना है, 12, अनुपात पूछा होता तो हम इनके बीच में साइन लगा देते अनुपात का, और 3 × 9 और 3 × 4 = 12, तो अनुपात कितने का आ जाता है इनके बीच में, 3/4 का, पर चूंकि अभी उसने संबंध पूछा है तो एमआरपी 33.3% ज्यादा है। एंड सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से
400 रुपए प्रत्येक पर रेडियो सेट खरीदता है। खरीदना मीन्स कॉस्ट प्राइस है ये 400 रुपीज। आगे वह 30% से कीमत में वृद्धि कर देता है, इट मीन्स वो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना बढ़ा रहा है 30%। फिर बोला गया है और प्रत्येक पर 8% की छूट देता है, डिस्काउंट का परसेंटेज हमारे पास है 8%। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सम है बेटा, बहुत ही अच्छा सम है। इसको हम अरेंज करते हैं तो हमको फर्स्ट लाइन से पता चला रेडियो की कीमत कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी दी गई है 400 रुपए प्रति रेडियो का सेट है, हाँ या ना। अंकित मूल्य जो है MRP वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक बोला है 30%। तो हम 400 का 30% बढ़ा के फाइंड कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई 130/100 से कह दीजिए तो आपको पता चल जाएगा 13 × 4 = 52। इट मीन्स MRP कितने की है 520 रुपये। डिस्काउंट का परसेंटेज हमें गिवन है, कितने परसेंट का डिस्काउंट गिवन है आप सभी देखिए, तो यहाँ पे 8% की छूट बोली गई है, हाँ या ना। अब हम इसको अरेंज करते हैं। अभी तक हमने जो इक्वेशन जो स्टेटमेंट याद किया हुआ है, हमने स्टेटमेंट याद किया हुआ था डिस्काउंट हमेशा 100 से क्या होता है माइनस, क्लियर हो गया। किस पर मिलता है डिस्काउंट MRP पे। उसी प्रकार प्रॉफिट हमेशा 100 पे क्या होता है प्लस होता है, और प्रॉफिट किस पर मिलता है CP पर होता है, और होने वाला प्रॉफिट MRP में वाली छूट के क्या होता है इक्वल होता है। स्टेटमेंट याद किया है हमने भी, वही स्टेटमेंट है। वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास कौन कौन सा डेटा है देखिए, MRP पुट कर देंगे हम कितनी 520 रुपए की, मल्टीप्लाई डिस्काउंट 8% को क्या लिखेंगे आप सभी 92/100। CP हमारे पास कितनी दी गई है 400 की, मल्टीप्लाई परसेंटेज तो पूछा है हमसे साहब, तो इसको प्रश्नवाचक मान लीजिए, क्लियर हो गया इतना। क्या कह दीजिए 100 से 100 कैंसिल कर दूं क्या सीधे सीधे कैंसिल से, हाँ कर सकता हूँ ऐसा कह दीजिए। 00 00 क्या होगा कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दीजिए कितने टाइम्स 4 13 का कितना होता है 150 52, और 0 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा के हमारे पास प्रश्नवाचक का मान 13 × 92/10 कितना है 10। गुणा कह दीजिए 13 × 26 की 6 हासिल है कितना 2, 13 × 9 = 17 और 2 कितने हो गए 119, 0 हटाओगे तो क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, तो परसेंटेज कितना चुका है 119.6%। और मैंने आपको याद कराया है प्रॉफिट हमेशा 100 पे प्लस होता है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है ये तो डेफिनेट है क्योंकि मान हमारे पास 100 से ज़्यादा आया है। 100 से कितना ज़्यादा है ये तो आप सभी बता देंगे 19.6% ज़्यादा है, तो यही इसका क्या बन जाएगा लाभ बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। कितना सिंपल तरीके से हमने अरेंज किया है, बस आपको ये जो इक्वेशन दी गई है संबंध ये आपको फाइंड करना है, देन आपने स्टेटमेंट में फिट कर दिया डेटा और आंसर आ गया 19.6% का हमको प्रॉफिट हो रहा है इस व्यापार में। कहानी क्लियर है सभी को। अगला सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, एक दुकानदार एक निश्चित वस्तु पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त होता है, यदि वस्तु पर दुकानदार की लागत 210 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य MRP फाइंड करिए। बहुत ही सिंपल सम है परंतु ये बीते हुए एग्जाम का आया हुआ है इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हमने स्टेटमेंट याद किया हुआ है डिस्काउंट हमेशा 100 से क्या होगा माइनस, और डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होगा हमेशा MRP पर, साथ ही साथ प्रॉफिट हमेशा 100 पे क्या होगा प्लस होगा, और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है CP पर, और CP पर होने वाला प्रॉफिट MRP मिलने वाली छूट के क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, हाँ या ना। ये स्टेटमेंट मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ बेटा ताकि आप सभी को ये स्टेटमेंट याद हो जाए, एग्जाम में हमें ना लिखना हो, एग्जाम में हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, मैं इसलिए लिख रहा हूँ बार बार ताकि आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद हो जाए,
हाँ या ना, आपके लिए लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, टाइम लॉस नहीं करेंगे। चलिए डेटा को अरेंज कर दीजिए। तो हमको यहाँ पे बोला गया है क्या, डिस्काउंट दिया था क्या, सब में देखिए उसने क्या बोला है, 12.5% की छूट को आप क्या लिखेंगे सभी, 87.5/100। जबकि उसने एमआरपी आपसे क्या किया है, पूछा है, तो एमआरपी को एम रहने दीजिए। प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, 120/100। जबकि सीपी आपके पास कितनी दी गई है, 210 रुपए की आपको सीपी गिवन है। डेटा रेंज हो गया है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पॉइंट हटाइए, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, जीरो। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यदि हो रहा है तो फटाफट उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो हमने देखा कुछ ऐसा डेटा अरेंज हो पाएगा क्या इजिली कैलकुलेट, चलो 1212 कैंसिल हो गया। अब कुछ कट रहा है, हाँ 7 से कट रहा है, 7 से काटिए, 7 एकम 7 बज गए 1, 7 दूनी 14 बज गए 3, 7 पना 35, 7 से कितने टाइम कटेगा ये, 7 तिया 21। अब कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, किससे कट रहा है ये, क्योंकि मुझे तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है ये कट रहा हो किसी से, डेटा नहीं कट रहा है, 125 से कैंसिल हो जाएगा, 125 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, 4 टाइम्स, नहीं 4 टाइम्स नहीं होगा बेटा, 8 टाइम्स होगा जहाँ तक देखो आप सभी, 25 से कैंसिल कर दीजिए, 5 टाइम, 25 से कितने टाइम्स ये, 40, और 5 से कितने टाइम्स ये, 8 टाइम्स। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे तो एम ठीक है, कोई टेंशन नहीं, 8 12 कितना हो जाएगा, 96, मल्टीप्लाई किसका है, 3 का, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, 3 6 18, 8 क्या हो, 1 कैरी हो गया, 9 3 27 + 1 28, तो एमआरपी कितने की आ गई आप सभी के पास, 288। इट मीन्स 288 रुपए की उसकी अंकित मूल्य है, एमआरपी है। कितने सिंपल तरीके से हम कह रहे हैं, कैलकुलेशन में बस मिस्टेक नहीं करनी है, भले थोड़ा सा आपको टाइम लगे परंतु मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आप सभी से। और एग्जाम में आप स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, आपको याद कराने के लिए मैं स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में, सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, उत्पादन लागत से 30% अधिक मूल्य लगाने पर एक रेडियो मेकर अपने रेडियो पर 286 रुपीज का लेबल लगाता है, जो भी उसके कॉस्ट प्राइस थे, लागत मूल्य था, उससे उसने 30% बढ़ाया और कितना आया उसके पास, 286, और 286 का उसने प्रिंट कर दिया प्राइस। ये हमको कहानी गिवन है। आगे बोला गया है, लेकिन बेचते समय वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है, सोल्ड कहते समय कितने परसेंट का, 10% का डिस्काउंट हमको दे रहा है। तो हमको पूछा क्या है उसने, उसका लाभ कितना होगा। इस सम को हम बहुत अच्छे से अरेंज करेंगे बेटा, क्योंकि ये एग्जाम्स में आया हुआ है सीजीएल एसएससी में। तो देखिए कैसे अरेंज करना है, तो हमको पहले लाइन से बोला गया था, जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उस कॉस्ट प्राइस पर उसने 30% बढ़ाया, और 30% बढ़ा के जो मूल्य निकला वो उसने क्या कह दिया, प्रिंट कह दिया, मतलब एमआरपी, ये स्टेटमेंट था। जबकि जो लेवल लगाया है एमआरपी, वो हमको दिया गया है 286 का, सीपी हमारे पास नहीं है, मल्टीप्लाई 130/100, और इसको हम कैंसिल कहते हैं, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 13 दूनी 26 बच गए 2, 13 दूनी 26 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 220 आपके पास आ गया इसका सीपी कॉस्ट प्राइस। इतना सबको क्लियर है, ये आंसर नहीं है, अभी सम करेंगे हम आगे, है ना। चलिए अब उसने इसको जब सोल्ड किया तो उसने कुछ छूट दी, कितने परसेंट की, 10% की, और हमने क्या याद किया है, डिस्काउंट हमेशा 100 से क्या होगा, माइनस, और डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है, एमआरपी पर कैलकुलेट होता है, जबकि प्रॉफिट हमेशा 100 पे क्या होता है, प्लस होता है, और प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है, सीपी पर, और दोनों केस आपस में क्या देखे हैं, हमने इक्वल देखे हैं, हाँ ना। इसमें हम डेटा अरेंज कर देते हैं, तो एमआरपी हमारे पास कितनी गिवन थी, 286 की एमआरपी थी जो लेवल लगा है, जबकि डिस्काउंट कितने का दिया उसने, देखिए 10% की छूट है, क्या लिखेंगे आप सभी, 90/100। सीपी हमने कितनी फाइंड कर ली है,
220 रुपीज, जबकि उसने प्रॉफिट हमको फाइंड करने के लिए बोला है। सिंपल तरीके सॉल्व कर देते हैं, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, और कुछ कटेगा क्या, हाँ, 0 से 0 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कुछ कटेगा क्या, मुझे दिख तो रहा है ऐसा कुछ कटने के लिए, चलो 22 से काट देता हूँ, 22 से काट दूँ क्या मैं, हाँ, 22 से कम 22, 22 से कम 22 बच गए 6, और 22 दिया कितना होता है 66, यहाँ बचा प्रश्नवाचक, जबकि यहाँ बचा 13 नंबर कितना 117%, इट मीन्स डेटा 100 से ज़्यादा है, लाभ हो रहा है, ये तो फिक्स हो गया, और कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो आप तुरंत बता देंगे, ये 100 से 17 ज़्यादा है, इट मीन्स 17% का इस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हो गया सम, ये डेटा आपके लिए समझने लायक था, ये एसएससी का सम है, बहुत ध्यान से कहना है आप सभी को, पर जरूरी नहीं है कि नहीं आ सकता, ये जेल पहरी में, IBPS, RRB में भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये डेटा अरेंज करने के बाद हमने जो स्टेटमेंट याद किया उसमें डेटा पुट किया और सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। 117% आंसर नहीं है, आंसर इसका 17%, क्योंकि मैंने याद कराया है प्रॉफिट 100 से ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा वही उसका प्रॉफिट। हम ये आप सभी की स्क्रीन पर, पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, वह 10% कम पर इसे खरीदती है और 30 रुपये पर कम करके बेचती है, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का लागत मूल्य बताइए कितना है। बहुत अच्छा सम है, बहुत अच्छा सम है, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको सिंपल तरीके से अरेंज कर देंगे और हम आंसली आंसर फाइंड कर लेंगे। इसमें पूछा गया है हमसे क्या कॉस्ट प्राइस है ना, तो हमने अज्यूम कर लिया कॉस्ट प्राइस CP हमारे पास है X रुपीस का। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया था पूजा ने 20% का लाभ लिया, CP पर लाभ लिया, तो CP पर लाभ हमेशा क्या हो जाता है प्लस, तो 120/100 ये बन गया उसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि CP पर लाभ लेके वस्तु को बेचा गया है, हाँ या ना। आगे स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ, देखिए उसने 10% कम कीमत पर वस्तु खरीदी, मतलब CP X नहीं है, अब उसका CP कितना है, X से भी 10% कम, मतलब कि X का 90/100 है, ये है उसका नया CP न्यू, ठीक है। आगे अब उसने क्या किया, 30 रुपए कम में वस्तु बेची, मतलब वो इतने में बेच रही थी ना, इसमें भी नहीं बेच रही है, इससे भी कितने रुपए कम कह रही है, वो 30 रुपए कम कह रही है, जबकि कहने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। अब प्रॉफिट के लिए क्या बनेगी CP, ये बनेगी CP, इस CP पर उसने क्या ले लिया है, प्रॉफिट कितने परसेंट का, 20%, और 20% प्रॉफिट को हम क्या लिखेंगे, 120/100, और ये डेटा, ये इक्वेशन आपके पास जनरेट हो गई, इस इक्वेशन को हम सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए आप सभी साम, हमें बोला गया था CP फाइंड करना, हमने X अज्यूम किया, CP पर हमने 20% का पहले केस में फायदा लिया, 20% का लाभ, परंतु अगले लाइन में बोला गया उसने X में परचेस नहीं किया, उसने CP को भी 10% कम से परचेस किया है, तो 90/100 से न्यू CP आ गई। फिर बोला गया था बेचते समय उसने 30 रुपये और कम कर दिए हैं, तो हमने सेलिंग प्राइस से 30 रुपये क्या कर दिए, माइनस कर दिए, जैसे माइनस किया तो क्या बोला गया था, CP पर उसको क्या हो गया है, प्रॉफिट कितने परसेंट का, 20% का, तो नए CP पर प्रॉफिट लेके उसने सोल्ड कर दिया, तो दोनों सेलिंग प्राइस आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और मान निकालते हैं X का, इसको कह लेते हैं 20 से 20 आपस में कैंसिल, 12 नंबर कितना होता है 108, और ये X लिखा है, अपॉन कितना है 100, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ये 120X हो जाएंगे, और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3000 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 100, LCM ले लिया मैंने 100 का, ठीक है, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बचा कितना 108X इक्वल्स टू 120X माइनस कितना है 3000, 3000 को ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस है डेटा किस में हो जाएगा, प्लस में 108 इस साइड आके माइनस हुआ तो कितना बना लेगा सिर्फ और सिर्फ 12X बचेगा, 12 से कैंसिल कर दीजिए
ट्वेल्व टू ज़ा कितना 24, सिक्स बचा 12, फाइव ज़ा 60, ज़ीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 250, इट मीन्स 250 रुपए की हमारे पास सीपी है जो हमसे पूछा गया है इस सम में। कहानी क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये जो बॉक्स बना के मैंने इक्वेशन बनाई है ऐसे ही आपको बनानी है, कोई ट्रिक यूज नहीं की है, कोई इक्वेशन नहीं, जो हमने फर्स्ट लेसन में समझा हुआ था कॉन्सेप्ट उसी बेस पे हमने उसको अरेंज किया है। फिर से आप समझ लीजिए, चाहे तो सीपी पे प्रॉफिट लिया, सीपी को घटा के लिया हमने, देन हमने सेलिंग प्राइस से 300 रुपए कम कर दिए, देन हमने नए सीपी पे प्रॉफिट ले लिया 20% का। सिंपल इक्वेशन बनी है, आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सम है ये, बहुत ध्यान से कहना है आप सभी को। इस लेसन में जितने भी सम मैंने कराए हैं आज, ये सभी सम बीते हुए एसएससी या एनटीपीसी में हुए हैं जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किए हैं। तो इन सम को आप तैयार करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन से एक प्रैक्टिस सीट डाउनलोड कर लीजिए, उसको भी सॉल्व करके देखिए। अगले लेसन में हम कुछ नए सवाल, कुछ नए वैरायटी के सम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।